ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ 32 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਆਪਣਾ नमस्कार मेरा नाम साक्षी मलिक है मैं पहली भारतीय महिला ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ कुश्ती में और मुझे पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 2017 में सचिन जी आज छत्तीसगढ़ से मिले हो क्या मुश्किल थी क्या क्या प्रॉब्लम आई कैसी बातचीत हुई देखो इनको कौन नहीं जानता तो हम इनके पास समर्थन मांगने आए थे हमें 32 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जंतर मंतर पे बैठे हुए बेटियों की न्याय की लड़ाई के लिए तो 28 तारीख को हम नए संसद में महिला महापंचायत करने वाले हैं और उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का बेटियों का समर्थन चाहिए क्योंकि ये भारत की बेटियों की लड़ाई है और बस यही हाथ जोड़ के हम समर्थन मांगने आए थे और इन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बातें सुनी हमें समर्थन दिया और आश्वासन दिलवाया है कि वो हमारा बढ़ चढ़ के साथ देंगे कैसी मुश्किलें आ रही हैं आपको जो आपकी मांगे क्या क्या सरकार आपसे बातचीत कर रही है कोई कि आप ये अभी तक संघर्ष कर रहे हो नहीं सरकार से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है मुसीबत तो देखो इतनी गर्मी में 32 दिन हो गए हैं बैठे हुए तो बस मुसीबत तो आ ही रही है लेकिन अभी लड़ाई ऐसी है कि वो मुसीबत हमें हटा नहीं सकती हमें परेशान नहीं कर सकती बस हमें कैसे भी करके लड़ाई जीतनी है क्योंकि एक मैसेज है ये बेटियों की भारत की बेटियों की लड़ाई है और हमें मैसेज देना है ये लड़ाई जीत करके कि बेटियां आगे अगर उनके साथ गलत हो तो वो आवाज़ उठा सकें क्या क्या मांगे क्या हैं आपकी मुख्य मांगे हमारी मांगे हैं कि जो अक्यूज्ड है ब्रिजभूषण उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगा है पॉस्को एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए अभी तक उन पर कार्रवाई भी शुरू नहीं हुई तो हम चाहते हैं जो भी उनके ऊपर FIR हुई है उसके ऊपर कार्रवाई होकर उनको गिरफ्तार किया जाए और दूसरी है जो फेडरेशन जो वो चलाते थे फेडरेशन प्रेसिडेंट थे वो फेडरेशन के और वो फेडरेशन से उनको बिल्कुल हटा दिया जाए और एक नई फेडरेशन का निर्माण अभी आपको 28 को बुलाया है आपने कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का किस किस तरह आपको समर्थन हमें कल हमने इंडिया गेट पे कैंडल मार्च किया था पूरे भारतवर्ष से बहुत अच्छा समर्थन हमें मिला है बढ़ चढ़ के लोगों ने समर्थन दिया है क्योंकि अब ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई बन गई है ये भारत की बेटियों की लड़ाई है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है ये लड़ाई हमें जीतनी है क्योंकि ये भारत की बेटियों के की बात है और बस यही कहना चाहूँगी और 28 को भी जो महिला महापंचायत हम रख रहे हैं उसमें भी जो आपके माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगी आप बढ़ चढ़ के हमें समर्थन दो महिलाएं बेटियां जंतर मंतर पहुँचें और वहाँ से फिर हम जो नई राज्यसभा का उद्घाटन है वहाँ पर हम महिला महापंचायत करेंगे आपसे रोज प्रदर्शन किया जाएगा हम वहाँ जाके शांतिपूर्वक पंचायत करेंगे